नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की खबरों में क्या रहा, ये देखने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा आगमन से पहले गंगा स्वरूप बहनों ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करने तैयार किया स्टिकर मोज़ेक, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम हुआ दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा आगमन को लेकर वडोदरा में दिखी अनोखी रौनक, सरकारी कचेरियों समेत वडोदरा की कई मुख्य इमारतें कलरफुल लाइटिंग से सज्ज, लोगों में भी भारी उत्साह। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने की कांग्रेसी अग्रणियों और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, बैनर पोस्टर भी किए जब्त। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। वडोदरा कांग्रेस पार्टी की ओर से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ और शासक पक्ष के सामने लगातार कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल सरकार की ओर से एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी बात कहते हुए इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध जताया जा रहा है, जिसके चलते वडोदरा शहर कांग्रेस प्रमुख ऋत्विक जोशी की अगुवाई में आज विपक्षी नेता अमीबेन रावत समेत बड़ी तादाद में उपस्थित कांग्रेसी कार्यकरों ने चकली सर्कल पर हाथ में पोस्टर बैनर लिए विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस की ओर से कांग्रेस के अग्रणी और कार्यकरों की गिरफ्तारी कर ली गई। इसके अलावा पुलिस की ओर से पोस्टर बैनर भी जब्त कर लिए गए। वैसे आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस का ये कहना है कि बिना इजाज़त ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस को ऐसा कदम उठाना पड़ा है। લોકો નીચે કા બોર ઉપર અમે આ ધમકી ચલાવવા અને જેટલા જોર તમારા વચ્ચે એટલા જોર થી કોંગ્રેસ પક્ષના હેઠળ જે કોંગ્રેસના સભ્યો ભેગા થયા હતા એમણે કોઈ પરવાનગી આપી નથી હતી અને પોતે પોતાની રીતે જે રસ્તો બ્લોક કર્યો હતો એમના કારણે અમે એમને કાયદેસર અટકાયત કરી છે, એમના વિરુદ્ધ અટકાયતી પગલાં લેવામાં આવશે। કોઈ રસ્તા બ્લોક કરવાનો કે ધરણાનો ક્યારેય પરવાનગી આપતા નથી અને એવી કોઈ પરવાનગીની ડિમાન્ડ પણ નથી કરી અને વગેર પરવાનગી જે રસ્તો બ્લોક કર્યો હતો તો એમના કારણે એમની કાયદેસર અટકાયત અમે કરી, અટકાયતી પગલાં તરીકે એને લેવામાં આવશે। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सेल की ओर से आज आंगनवाड़ियों में कुपोषित बच्चों के आरोग्य की जांच करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके तहत 400 जितने कुपोषित बच्चों के आरोग्य की जांच की गई। राज्य सरकार की सुपोषित योजना के तहत जो बच्चे अभी भी कुपोषित हो उन्हें गोद लेकर उन्हें आरोग्यप्रद भोजन और दवाइयाँ मुहैया करवाई जा रही है। इसी मुहिम के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सेल की ओर से शहर की आंगनवाड़ी के 400 जितने कुपोषित बच्चों की जांच की गई। दरअसल सरकार की ओर से गोद लिए जाने के बाद उनके स्वास्थ्य में कितना बदलाव आया है, जिसकी जांच आज की गई और उसके बाद बच्चों को रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन में अलग भी किया गया। इसके साथ ही जिन बच्चों को अभी भी सुपोषण अभियान की ज़रूरत हो उन्हें आने वाले वक्त में भी गोद लेकर सुपोषित किया जाएगा, ऐसा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह की ओर से बताया गया। वैसे इस मौके पर शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह समेत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकरों की मौजूदगी दर्ज की गई। आज 17 जूने समग्र गुजरात में अमारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सी आर पाटिल जी मार्गदर्शन प्रमाण डॉक्टर सेल माध्यम थी
समग्र गुजरात बधाज आंगणवाड़ी में कुपोषित बाळकों मेडिकल तपासना कार्यक्रम आयोजन डॉक्टर सेल मध्यम थी करवामां आव्युं छे। एना ज भाग रूपे वडोदरा शहर में डॉक्टर मितेश भाई, डॉक्टर रोहन भाई और एमनी समग्र टीम द्वारा आज 400 थी वधारे आंगणवाड़ी में बाळकों मेडिकल तपासना कार्यक्रम आयोजन अहीं वोर्ड नंबर 18 थी शुरुआत करवामां आवी छे। वोर्ड नंबर 18 ना अमारा संगठनना प्रमुख मारा साथी महामंत्री जसवंतसिंह सौ चूंटायेला प्रतिनिधिओ आज हाजर छे। मोटी संख्या में कुपोषित बाळकोने छेल्ला बे महीनाथी सुपोषण अभियान भागरूपे एमने दत्तक लई अने एमने अलग अलग प्रकारना पोषणयुक्त आहार आपवामां आवी रह्या छे। आ आहारना कारणे एमनामां केटलो फरक पड्यो ए अंगेनी मेडिकल तपास अत्यारे करवामां आवी रही छे। बाळकोना हेड सर्कमफरन्स छे, बाळकोना स्नायुओनी तपास करी अने आमांथी जे बाळको रेड झोन में आए, जे बाळको येलो झोन में आए, जे बाळको ग्रीन झोन में आए एमने भविष्य में पण दत्तक लईने एमने पण नवेसरथी सुपोषण अभियान लाभ मळे एवी चिंता पार्टीना कार्यकर्ताओना माध्यमथी करवामां आवी रही छे। त्यारे आ समग्र कार्यक्रम आयोजन माटे वडोदरा शहेरना डॉक्टर सेलनी समग्र टीम ने खूब खूब अभिनंदन आपू छू। आपणा प्रदेश अध्यक्ष श्री श्रीया पाटिल जी की इच्छा थी आपणे सुपोषण अभियान छेल्ला 3 महीना पहेला चालू करवामां आवेलु। आ अभियान में समग्र समग्र गुजरात में 579 मंडल में आज दरेक आंगणवाड़ी में हेल्थ चेकअप प्रोग्राम कार्यक्रम गोठवामां आव्यो छे। जेटला पण कुपोषित बाळको छे एनु हेल्थ चेकअप द्वारा चेकअप थाय, एने प्रोटीनो आहार आपवामां आवे एनो कार्यक्रम समग्र गुजरात में अने वडोदरा में करवामां आव्यो छे। वडोदरानी वात करिए तो वडोदरा में टोटल 400 थी वधारे आंगणवाड़ी छे अने 200 थी वधारे डॉक्टर की टीम आज फील्ड में निकली छे अने फील्ड में दरेक आंगणवाड़ी में जई अने दरेक बच्चा ने थरल चेकअप करशे, एमनी मेडिकल कंडीशन जोशे, एक कुपोषित छे कुपोषित माथी अत्यारे सुपोषित तरफ जई रह्यु छे के नहीं एनो पर पूरो ध्यान आपवामां आवशे। डॉक्टर मितेश शाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरजी न्यूज। रामनवमी के पर्व से लेकर अब तक पूरे देश भर में जिहादी तत्वों की ओर से जो असामाजिकता और अराजकता फैलाई गई है उसके चलते कल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से पूरे जिले में जगह जगह पर आवेदन पत्र दिए गए थे। उसी के चलते जूनागढ़ में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अग्रणी और कार्यकरों की ओर से इकट्ठा होकर जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया और ये मांग की गई कि जिहादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। जय श्री राम। विज्ञान साधग्या जूनागढ़ जिला बजरंगदल संयोजक सौराष्ट्र प्रांत टोली सभ्य। रामनवमी अने त्यार पछीना समयगाळा दरमियान जे जेहादीओ द्वारा पत्थरमारा, हिंसाओ, आग जेवी अनेक घटनाओ करवामां आवी छे तेना विरोधमां आज रोज बजरंगदल द्वारा राष्ट्रपति सिंहने आवेदनपत्र आपवामां आवेल छे। जूनागढ़ जिला कलेक्टर कचेरी खाते जूनागढ़ ग्राम्य अने जूनागढ़ महानगर साथे रही आवेदनपत्र आपेल छे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। कल 18 जून है और कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा के दौरे पर है। दरअसल वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मेलन संबोधित करने वाले हैं जिसके चलते तमाम इंतजाम इस वक्त शहर में जारी है। हालांकि आज बड़ी तादाद में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के छात्र भाजपा कार्यालय पर पहुंचे और वहां पर उनकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सभी को और खासकर युवा वर्ग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जुड़ने की अपील की गई। दरअसल बड़ी तादाद में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के छात्र हाथ में टैटू बनवाकर और मोदी जी के मास्क पहनकर मनुभाई टावर स्थित भाजपा कार्यालय पर पहुंचे। वहां पर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, सांसद रंजन बेन भट्ट, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह और बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर उपस्थित थे। सभी की ओर से वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए बलून उड़ाए गए और इसके साथ ही ट्री प्लांटेशन का कार्य भी किया गया। वैसे आपको बता दें कि छात्र काफ़ी उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए और साथ ही वडोदरा शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को लेकर हर तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों से जारी है। प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आती काले वडोदरा ना प्रवासे छे। वडोदरावासी थनगनी रिया छे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नु स्वागत करवा माटे। सुशोभन पण एटलू कर्यु छे, साथे बहनों एटली मोटी संख्या में प्रधानमंत्री श्री नु स्वागत करवा माटे तैयार छे। वडोदरा ना यूथ ने एवुं थाय कि अमे केम रही जाइए अने एमणे आजे वडोदरा ना दीकरा दीकरीओए
ભેગા થઈને પાર્ટી કાર્યાલયે 12 મનુભાઈ ટાવર યુથને વડોદરાના નગરજનોને એક મેસેજ આપવાનું કામ કર્યું છે. કોઈક દીકરીઓએ ટેટુ પણ કર્યું છે, દીકરાઓએ ટેટુ કર્યું છે, તો સાથે સાથે નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીનો માસ્ક પહેરવાનું, બલૂનથી સેલિબ્રેશન કરવાનું એક મોટો ફ્લેગ્સ બનાવ્યો છે, વેલકમ ટુ નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી વડોદરા. તો આ એક યુવાનોમાં ઉત્સાહ છે, અને એ ઉત્સાહ યુવાનોમાં જ્યારે હોય તો પ્રધાનમંત્રીશ્રી હંમેશા એવું કહે છે કે દેશનો યુવા આગળ આવવો જોઈએ. આ વડોદરાનો યુવાન, દીકરા હોય કે દીકરીઓ હોય, તે આગળ આવ્યા છે. એક જ ભાવ છે કે પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું કાલે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં સ્વાગત કરવું છે, અને એટલે આજે જ્યારે યુવાન તૈયાર થયો છે ત્યારે આપના માધ્યમથી વડોદરાવાસીને મેસેજ આપું છું કે જો કોઈ ખૂણે ખૂણેથી પણ રહી ગયા હોય તો તમને અમારું આમંત્રણ છે, આવો આપણે બધા જ ભેગા થઈ પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરીએ. ધન્યવાદ. આજના મારા યુવાન ભાઈઓ બહેનોને, કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને જોઈને મને પણ એમ થાય છે કે કાશ મેં ભી 25 સાલ કી ઉમ્ર કા હોતા, કાશ મેં ભી 21 સાલ કા યુવા હોતા. આ યુવાધન વડોદરાનું એકત્ર થઈ રહ્યું છે. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં MS યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ, 15,000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં આગળ પધારવાના છે. મોદી સાહેબને આવકારવા માટે જાણે કે સમુદ્ર ભેગો થવાનો હોય એવી રીતે આ યુવાધન આવવાનું છે. યુવાને ખબર છે કે આ દેશને કોઈ આગળ લઈ જઈ શકે એમ હોય, એમના પ્રશ્નોનું કોઈ નિરાકરણ કરી શકે એમ હોય, આ મારી બહેનોનું સશક્તિકરણ કોઈ કરી શકે એમ હોય, એમને કોઈ શક્તિ અર્પી શકે, બેટી પઢાઓ બેટી બચાવોથી માંડી અને અનેક આયામો મૂકીને આ દેશને એક એવા માર્ગે લઈ જઈ રહ્યા હોય, ડિજિટલ માર્ગે લઈ જઈ રહ્યા હોય, આધુનિકરણના માર્ગે લઈ જઈ રહ્યા હોય, અને તેમ છતાં આપણી સંસ્કૃતિને સાચવીને આગળ વધી રહ્યા હોય એવા વૈશ્વિક નેતા, અને જેમની કર્મભૂમિ વડોદરા હતી, વડોદરાની અંદર એમણે અદ્ભુત કાર્યો કર્યા છે. વડોદરાની અંદર ચપ્પે ચપ્પે પર ઉન્હોને ઘૂમાયા હે, આજે અનેક હજારો લોકો વડોદરાને એમને ઓળખે છે, એ વડોદરાના લોકોને પ્રત્યક્ષ જાણે છે. ત્યારે વડોદરામાં જ્યારે ઘણા વર્ષ પછી પધારતા હોય તો એક અદ્ભુત કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે. એમની માતૃશ્રી 100 વર્ષના હીરાબા થયા છે, એમના પણ આશીર્વાદ વરસવાના છે. મા કાળી માતાના આશીર્વાદ ભારત ઉપર વરસવાના છે. ધન્યવાદ. જય જય કરવી ગુજરાત. ભારત માતા કી જય. માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી આવતીકાલે 18મી જૂને વડોદરા શહેરના પ્રવાસે છે. સમગ્ર વડોદરા શહેરના કાર્યકર્તાઓ, વડોદરા શહેરના સૌ નગરજનો એમને ઉત્સાહપૂર્વક સ્વાગત કરવા માટે આતુર છે. ત્યારે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ આજે મોટી સંખ્યામાં કાર્યાલય ખાતે આવ્યા છે. એમણે મોટી સંખ્યામાં આ યુવાનો યુવતીઓએ પોતાના શરીર ઉપર ટાટુ બનાવ્યું છે. ઘણા બધા લોકોએ નરેન્દ્ર મોદીજીનો માસ્ક પહેર્યો છે, અને સાથે સાથે મોટી સંખ્યામાં બલૂનને ઉડાડી અને એમણે મોદીજીના સ્વાગતની આગલા દિવસે તૈયારી કરી છે. ત્યારે આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન જેમના માધ્યમથી થયું છે, એવા યુવા મોરચાના સૌ કાર્યકર્તાઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આજે અમે ટ્રી પ્લાન્ટેશનનું આયોજન કર્યું છે સુવર્ણ સેવા ગ્રુપ અને એમના વોલેન્ટિયર્સના બધાના તરફથી, કે અમે લોકો બધા જ ઇન્સ્પાયર થઈ રહ્યા છીએ એમનાથી. તો અમને એના ઇનોગ્રેશન માટે કંઈક કરવું હતું વસ્તુ, તો બીજા કોઈ પ્રસંગ કરીએ એના કરતાં ટ્રી પ્લાન્ટેશન જ અમે વિચાર્યું સૌથી વધારે, કેમ કે એ વસ્તુ અત્યારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અત્યારે જિંદગીમાં નેચરનું અત્યારે શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણે કોરોના વખતે બધાને જ ખબર પડી રહી છે. તો સુવર્ણ સેવા ગ્રુપ અને એમના વોલેન્ટિયર્સ તરફથી, સુવર્ણ સેવાના ગ્રુપના તરફથી આ વસ્તુ ઇનોગ્રેશન માટે નરેન્દ્ર મોદીજી જે કાલે આવી રહ્યા છે એમના માટે કરી છે. સુવર્ણાબા નરવીરસિંહ ચુડાસમાએ ફાઉન્ડર છે સુવર્ણ સેવા ગ્રુપના, જેમને અને અમે લોકો બધા જ વોલેન્ટિયર્સ છીએ અહીંયા અત્યારે, જે બધા જ એકત્રિત થઈ રહ્યા છીએ એમના માટે, કે નરેન્દ્ર મોદીજી 7 વર્ષ પછી આવી રહ્યા છે બરોડામાં, તો એમની માટે કંઈ કોઝ કરવો હોય તો પછી ટ્રી પ્લાન્ટેશન જો ઇમ્પોર્ટન્ટ કોઝ જ, કેમ ના કરીએ એમના ઇનોગ્રેશન માટે. સાથે જ માસ્ક ને જે રીતે ટેટૂ શું, હા અમારો એ ઉત્સાહ છે એમને વ્યક્ત કરવા માંગીએ છીએ કે અમે જે એમને ઇન્સ્પાયર કરી રહ્યા છે અમને અહીંયા, અમને એવું નહીં કે ખાલી બરોડામાં, આખા ગુજરાત આખા વર્લ્ડમાં ઇન્ડિયા બધે જ ઇન્સ્પાયર કરી રહ્યા છે જે અમને, એ પ્રમાણે અમે એમને ખુશી વ્યક્ત કરવા માંગીએ છીએ કે જે એ અમારે ઇન્સ્પિરેશન છે અમારા માટે, એટલે બતાવીએ છીએ. હર્ષિતાભાઈ મહિપાલ સિંહ ચુડાસમા. નમસ્કાર, આપ દેખ રહે હૈ BRG ન્યૂઝ.
करजन से सातली जाने की सड़क से हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल एक शख्स जब सातली सड़क से गुजर रहा था तब उसका स्टीयरिंग पर से काबू चला गया और वहां पर लगे एक बोर्ड से शख्स की मोटरसाइकिल टकरा गई, जिसके चलते उस शख्स को काफ़ी चोट आई। हालांकि वहां आसपास खड़े लोगों ने शख्स की मदद की और एम्बुलेंस बुलाकर करजन के सामूहिक आरोग्य केंद्र पर भेजा। इस वक्त उस शख्स का इलाज जारी है, हालांकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आउटरीच प्रोग्राम ऑन ईयर्स अचीवमेंट के तहत एकता नगर में संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गुजरात के महिला एवं बाल विकास विभाग ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए आउटरीच प्रोग्राम ऑन ईयर्स अचीवमेंट के तहत संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। दरअसल SOU एकता नगर टेंट सिटी 2 में लाभार्थी बहनों के साथ ये संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि योजना का आयोजन विकास सचिव इदेवर पांडे की अध्यक्षता में किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के माध्यम से की गई और उसके बाद 8 सालों में क्या क्या उपलब्धियां हुई है उस पर विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई। भारत सरकार ना वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा भारत सरकार थकी वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा महिलाओं और बाड़कों उत्थान माटे छेल्ला 8 वर्ष में केवा प्रकारनी कामगिरी थई छे तेना लगत एक કોન્ફરન્સનું આયોજન કેવડિયા ખાતે કરવામાં આવેલ છે, જેમાં વિવિધ પત્રકાર ક્ષેત્રમાંથી અલગ અલગ મીડિયા પ્રતિનિધિઓ સિનિયર જર્નાલિસ્ટ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે। આજનો મૂળ કાર્યક્રમ જે હતો એમાં ગુજરાત સરકાર તરફથી કેવા પ્રકારના કાર્યક્રમો કેવા પ્રકારની સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવામાં આવી છે તેના વિશે એક કાર્યક્રમ આપણે એક ગુજરાત સરકાર તરફથી કેવા પ્રકારની કાર્યવાહી અને કેવા પ્રકારના ઇનોવેટિવ્સ કરવામાં આવે છે તેનું એક નાનકડું પ્રેઝન્ટેશન મેં તમામ સમક્ષ રજૂ કર્યું। અને મને પોતાને એમ લાગે છે કે ગુજરાત સરકારે જે પણ કામગીરી કરી છે લોક બહેનોના બાળકોના ઉત્થાન માટે એ મેં રજૂ કરી એ એમણે જોઈ અને એમના તરફથી મને ખૂબ જ હકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યા છે। સાથે સાથે અહીં આપણે 4 જેટલા આપણા વિવિધ યોજનાઓના બેનિફિશિયરીઝને હાજર રાખ્યા હતા, જેમાં એક બાલિકા પંચાયત કચ્છના એક લાભાર્થી હતા, સાથે સાથે વિધવા સહાય ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાયના એક લાભાર્થી હતા અને એક નાના બાળકના માતા હતા જે આંગણવાડીનો લાભ લે છે। એટલે આ બધાએ પણ એમના પ્રતિભાવો રજૂ કર્યા કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા એ લોકોને કેવા પ્રકારની સહાય મળે છે અને કેવી રીતે સહાય લીધા પછી એમનું જીવન સ્તર સુધર્યું છે એ બાબતની એ લોકોએ રજૂઆત કરી અને સાથે સાથે પત્રકાર મિત્રોએ પણ એ લોકોના ઇન્ટરવ્યૂ લીધા અને એ બધા ખૂબ ખુશ થયા આ જોઈને કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા બહેનો બાળકો માતાઓ માટે કેટલી કામગીરી કરવામાં આવે છે એ જોઈને તમામ ખુશ થયા। મારું નામ ચારુલની સામજીભાઈ, હું કુકમા બાલિકા પંચાયતની સરપંચ વાત કરું છું। કચ્છમાં એક અનોખી પહેલ જે બાલિકા પંચાયતની રજૂ કરી છે તો કચ્છના 5 ગામોમાં કુનરિયા, કુકમા, મોટાંગિયા, મશકા ઓર વાડાસરમાં બાલિકા પંચાયતની રચના કરવામાં આવી છે। બાલિકા પંચાયતની વાત કરું તો ગામડાઓ આપણે બધાનો વિચાર એ છે કે ગામડાનો વિકાસ અને ગામડાનો વહીવટ માત્ર ગ્રામ પંચાયત ચલાવે છે, પરંતુ હવે ગામડાના વહીવટ અને વિકાસમાં બાલિકા પંચાયતનું પણ યોગદાન રહેશે। ગામડાના બાલિકા પંચાયતના કામગીરીની વાત કરું તો ગામડાની દરેક બહેનો છે એ શિક્ષિત બને તેમજ આરોગ્યથી રોગરક્ષિત બને તેમજ રમતગમતમાં પણ આગળ આવે એના માટે બાલિકા પંચાયતની રચના કરવામાં આવી છે। તો રમતગમતમાં ગામની દરેક દીકરીઓ જોડાય અને રમત સાંજે રમવા માટે ભેગા થાય છે તેમજ શિક્ષણ માટે ગામની જે દીકરીઓએ ડ્રોપ આઉટ થયેલ છે તેમને સમજાવી અને ફરીથી શિક્ષણ ઉપર લાવ્યા છે, તેમજ જે દીકરીની ફી બારે નથી ભણી શકતા તેમને ફ્રી ટ્રાન્સપોર્ટેશનની સુવિધા પણ બાલિકા પંચાયતથી ગ્રામ પંચાયત સાથે મળી અને તેને ફ્રી ટ્રાન્સપોર્ટેશનની પણ સુવિધા આપે છે। મારું નામ શિલ્પાબેન પટેલ છે, મારી ઉંમર 41 વર્ષની છે। અચાનક મારા પતિનું મૃત્યુ થવાના કારણે મારા અને મારા પરિવાર પર મોટું દુઃખ આવી પડ્યું। જે વખતે હું નિશાળ બની અને લાચાર થઈ ગઈ હતી તો મારી પાસે કોઈ આધાર નહોતું, પણ એક સિલાઈ કામ આવડતું હતું, પણ તે લેવા માટે મારી કને પૈસા નહોતા તો મને ખબર પડી કે ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજના ચાલે છે, તો હું એને એ ફોર્મ ભર્યું અને ટૂંક સમયમાં મને એ સહાય મળવા લાગી। થોડાક થોડાક પૈસા જમા કરીને હું એ મશીન લીધો અને આજે હું અને મારા બાળકો જે સિલાઈ કામના પૈસા આવે છે અને ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજનાનો લાભ મળે છે તેથી હું અને મારા છોકરાઓ શાંતિથી અને ખુશીથી જીવન વિતાવી શકીએ છીએ।
नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरजी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वडोदरा के दौरे पर है, जिससे लेकर वडोदरा में तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बार रोड पर मौजूद लेप्रसी मैदान में महिला सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं, जिसे लेकर वहां पर भी काफी वक्त से तैयारियां की जा रही है। ऐसे में आज पुलिस की ओर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूट है एयरपोर्ट से लेकर लेप्रसी मैदान तक, वहां पर रिहर्सल किया गया। ऐसे आपको बता दें कि 40 जितने वाहन इस सभा स्थल तक पहुंचने के लिए जुटने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर मिनी रोड शो का भी आयोजन करने वाले हैं। खुली जीप में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन करेंगे। ऐसे में आज पुलिस की ओर से एयरपोर्ट से लेकर लेप्रसी मैदान तक रिहर्सल किया गया। खबरों के बीच वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है बीआरजी बजट स्टे। बीआरजी बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज 150 रूम्स। कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फीथिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए बीआरजी बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। कॉन्टैक्ट नंबर 9586477777। ब्रेक के बाद बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। वडोदरा के समासावली रोड से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर अजीता नगर के पास एक भीषण हादसा हुआ है। दरअसल बस और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों में से एक शख्स की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल है जिसे अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया है। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये जो बस है वो अहमदाबाद से वडोदरा होकर उकाई जा रही थी, लेकिन इस मामले में अभी तक आगे और कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है और पुलिस की ओर से तफ्तीश जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 18 जून को वडोदरा के दौरे पर है और वडोदरा में उनकी ओर से सभा को संबोधित भी किया जाने वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर उनके स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। वैसे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेप्रसी मैदान पर पहुंचेंगे, उससे पहले वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिसके तहत कलाकार गायक अतुल पुरोहित की ओर से भी अपना स्वर दिया जाने वाला है। ऐसे में आज अतुल पुरोहित जी की ओर से सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में बड़ी तादाद में शामिल होने की अपील की गई। आवतीकाले वडोदरानी धरती पर अपना गुजरात ना पनौता पुत्र અને આપણા ભારતના યશસ્વી વડાપ્રધાન કે જે વિશ્વમાં અતિશય લોકપ્રિય છે, કાલે વડોદરાની મુલાકાત લેવાના છે। આપણા વડોદરા ખાતેની જાહેર સભા છે, આપ સૌને હું બીઆરજીના માધ્યમથી વિનંતી કરું છું કે સભામાં પધારજો, આપણે ગરબા કરીશું, આનંદ કરીશું, પીએમને સાંભળીશું। થેન્ક યુ, વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वडोदरा के दौरे पर है और वडोदरा में प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। वैसे आपको बता दें कि वडोदरा शहर में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष सजावट की जा रही है, जिसके चलते सरकारी कचहरियां जैसे कि पालिका कचहरी, कलेक्टर कचहरी, यहाँ तक कि न्याय मंदिर और स्ट्रीट लाइट के जो खंभे हैं उन्हें भी
सजाया जा रहा है। दरअसल डिजिटल पिक्चर दर्शाते हुए इन सभी जगहों को कलरफुल लाइटिंग से सजाया गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर कहीं नजर आती है तो कहीं तिरंगा बना हुआ नजर आता है, तो वहीं कहीं सरकारी योजनाएं भी डिजिटल पिक्चर के जरिए नजर आ रही है। लोन देना चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो या फिर 3 तलाक के खिलाफ कानून, चाहे गर्भावस्था के दौरान मुफ्त चेकअप की सुविधा हो या फिर पोषण अभियान, भारत ने जो नया संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत के जिन अभियान पर हम निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा दौरे को लेकर शहर में विभिन्न जगहों पर विशेष तैयारियां जारी है। वैसे प्रधानमंत्री का स्वागत वडोदरा में करने के लिए हर कोई काफ़ी उत्साहित है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वडोदरा शहर में 100% गंगा स्वरूप बहनों तक आयुष्मान कार्ड का लाभ पहुँचाने की मुहिम चलाई गई थी, और जिन महिलाओं को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है उन लाभार्थी महिलाओं की ओर से आयुष्मान कार्ड के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करने के लिए एक अनोखा कार्य भी किया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री के वडोदरा आगमन को लेकर आयुष्मान कार्ड की लाभार्थी महिलाओं की ओर से 13,000 स्टिकर लगाकर स्टिकर मोज़ेक तैयार किया गया है, और इस मोज़ेक को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम मिला है। ऐसे में आपको बता दें कि आज इस मौके पर महिलाओं के साथ म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, मेयर के यू ट्रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी और स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की मौजूदगी भी दर्ज की गई थी। माननीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जब कल वडोदरा के अंदर आ रहे हैं, तब उनके आने के उपलक्ष्य में वडोदरा महानगर पालिका ने सभी गंगा स्वरूप बहनों के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ सभी वडोदरा शहर की गंगा स्वरूप बहनों को मिल जाए इसके लिए एक मुहिम छेड़ी थी, और उस अंतर्गत 22,000 से ज़्यादा गंगा स्वरूप बहनों को प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड दिया गया है, और इसके लिए गंगा स्वरूप बहनों ने खुद एक स्टिकर लगा के उनका आभार व्यक्त किया है, और ये तकरीबन 13,000 से ज़्यादा स्टिकर लगा के ये जो गंगा स्वरूप बहनों को पीएम आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है, तब इसके माध्यम से सभी बहनों ने जो ये मोज़ेक बनाया है, स्टिकर मोज़ेक बनाया है, और ये मेरे ख्याल से आज ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी आज स्टिकर मोज़ेक का आयोजन कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया है, और इन गंगा स्वरूप बहनों ने ये स्टिकर लगाया है, तो मैं इन गंगा स्वरूप बहनों का धन्यवाद भी करता हूँ और उसके साथ कॉरपोरेशन टीम को अभिनंदन भी देता हूँ। आयुष्मान कार्ड जो वडोदरा सिटी में 22,000 जितनी महिलाओं को, जो विधवा महिला हैं उनके लिए जुम्बिश किया गया है, और आयुष्मान कार्ड उनको उसका लाभ मिला है। एक इस स्कीम के अंतर्गत हर वर्ष में 5 लाख रुपए तक का उनको हेल्थ कवर मिलता है, और विधवा बहनों के लिए ये हेल्थ की दृष्टि से खूब उपयोगी योजना है। आज गंगा स्वरूप बहनों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री आ रहे हैं तो अपना आभार उनको व्यक्त किया है, और यूनिक तरीके से किया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेंटेंस प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड के लोगों से बनाया गया है, और उसको आज गंगा स्वरूप बहनों ने ये जो काम किया है वो काम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वडोदरा के दौरे पर है, और प्रधानमंत्री के वडोदरा आगमन को लेकर वडोदरा में विशेष तैयारियां भी जारी है। वैसे हर कोई प्रधानमंत्री का वडोदरा में स्वागत करने के लिए काफ़ी उत्साहित है। ऐसे में आपको बता दें कि इलेक्शन वार्ड नंबर 13 में नगर सेवक जागृति काका की अगुवाई में गंगोत्री अपार्टमेंट की महिलाओं की ओर से आज हाथ में कमल की मेहंदी लगवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां शुरू की गई। दरअसल महिलाएँ प्रधानमंत्री का वडोदरा में स्वागत करने के लिए काफ़ी उत्साहित है, और उसी लिए हाथ में कमल की मेहंदी भी लगवा रही है। वार्ड नंबर 13 द्वारा गंगोत्री एपार्टमेंट परिवार तरफ थी, अने मारा साथी काउंसिलर ज्योतिबेन संगठन की टीम
साथ अहीं आगळी गंगोत्री एपार्टमेंट में जे अपना देश यशस्वी वडाप्रधान माननीय नरेन्द्र भाई जे आवतीकाले आवी रह्या छे एना उमंग में उत्साह में आज बधी ज बहनों कमळ मेहंदी कार्यक्रम राख्यो छे अने बधाना हाथ में कमळ दोराव्या छे अने बधी बहनी एटली खुश छे के अमारा देश वडाप्रधान आज अमने अहीं आगळी अमारा वडोदरा में जोवा मळशे। अमारा वडोदरा पूर्व सांसद छे, देश वडाप्रधान छे, आज माननीय नरेन्द्र भाई पण एवुं कहे छे मने पीएम वडोदराए बनाव्यो एटले अमने पण एटलो आनंद छे કે અમારા દેશના વડાપ્રધાન આજે અમારા આંગણે આવી રહ્યા છે। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरजी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 18 जून को वडोदरा के मेहमान बनने वाले हैं। दरअसल वडोदरा में उनकी ओर से सभा संबोधित की जाने वाली है। ऐसे में आज मनुभाई टावर स्थित भाजपा कार्यालय पर शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह और प्रदेश भाजपा महामंत्री भार्गवभाई भट्ट की ओर से पत्रकार परिषद बुलाई गई थी। दरअसल इस पत्रकार परिषद के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी गई। इसके अलावा कल जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है उसमें शहर की जनता को सुबह 10 बजे से जुड़ने की अपील भी प्रदेश भाजपा महामंत्री भार्गवभाई भट्ट की ओर से की गई। काम થઈ રહ્યો છે તેની અત્યંત સુચારુ રૂપે વ્યવસ્થા માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી અને એમના મંત્રીમંડળના સૌ સદસ્યો અને વિશેષ કરીને વડોદરામાં માન્ય રાજેન્દ્રભાઈ અને માન્ય મનીષાબહેન એમના વિશેષ પ્રયત્નોથી આ अत्यंत सुचारू रूपे व्यवस्था समग्र तंत्र करी रह्यू छे। व्यवस्थानी दृष्टिथी पण तंत्रे करेली व्यवस्था पोलीस तंत्रनी होय ने सरकारी तंत्र आ बन्ने जोवा लायक छे, अनुभववा लायक छे अने मानवा लायक छे। अने आनी साथे माननीय सांसद द्वारा बहनोनो संपर्क माननीय धारासभ्य द्वारा सेवा वस्तीओ में जाइने पण घर घरनो संपर्क समग्र संगठननी टीम युवा मोर्चो, महिला मोर्चो, एससी मोर्चो, अमारो एसटी मोर्चो, लघुमती मोर्चो आ मोर्चाना सदस्योए पण पोतानी तमाम ताकात झोंकीने घर घर सुधी माननीय प्रधानमंत्रीजीनो संदेशो लईने गया छे अने सौने अभूतपूर्व आवकार मळ्यो छे। आपना माध्यमथी पण आ आवकार અમે ફરી એક વખત નિમંત્રણ આપીએ છીએ અને તમે આ અવકારમાં વધારો કરો એવી મારી પ્રાર્થના છે। પાર્કિંગની વ્યવસ્થા છે, પાર્કિંગની અલાયદી વ્યવસ્થા વડોદરા મહાનગર માટે રાખી છે। આપના માધ્યમથી લોકો સુધી આ વ્યવસ્થા પહોંચે એવી પણ અમારી આપ સૌ પાસે વિનંતી છે। ફોર વ્હીલરમાં જે લોકો જાય એ લોકો માટે પણ પાર્કિંગની જુદી વ્યવસ્થા છે અને આ પાર્કિંગની વ્યવસ્થા માત્ર ને માત્ર વડોદરા મહાનગર માટે આરક્ષિત કરેલી છે। તો એ જ રીતે જે લોકો બસમાં જાય છે એના માટે પણ જુદા પ્રકારની પાર્કિંગની વ્યવસ્થા થાય એવું એક સંપૂર્ણ આયોજન છે। 5 વર્ષના સમયગાળા પછી માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી વડોદરા શહેરના પ્રવાસે છે ત્યારે વડોદરા શહેરના પેજ સમિતિના સભ્યોથી માંડી અને વડોદરા શહેરમાં ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિમાં માનનીય મંત્રીશ્રી અથવા તો સંગઠનમાં માનનીય શ્રી ભાર્ગવભાઈ કક્ષા સુધીના દરેકે દરેક કાર્યકર્તાઓ આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે છેલ્લા 15-1 દિવસથી બધા જ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે ત્યારે આપના માધ્યમથી લોકો સુધી આ માહિતી પહોંચે, લોકો સભાના સ્થળ ઉપર 10 વાગ્યા સુધીમાં પહોંચે, સભાના સ્થળ પર જવામાં કોઈ પણ પ્રકારની કોઈને મુશ્કેલી ન પડે એવું સંપૂર્ણ આયોજન વહીવટી તંત્ર અને પાર્ટીના માધ્યમથી થયું છે અને એ માહિતી લોકો સુધી પહોંચે એના માટે આજે આ પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કર્યું છે। મીડિયાના મિત્રો માટે પણ ગઈકાલે હર્ષભાઈની હાજરીમાં પણ વાત થઈ હતી, તમારે લાવવા લઈ જવાની કોઈ વ્યવસ્થાની જરૂરિયાત હોય તો આપણું જે માહિતી ખાતાની ઓફિસ છે ત્યાંથી પણ એ વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે। મીડિયાના મિત્રોને પાસ પણ કલેક્ટરશ્રીના માધ્યમથી મળ્યા હશે, તેમ છતાં પણ એમાં કંઈ મદદની જરૂરિયાત હોય તો અહીંયા બધા જ મુખ્ય લોકો બેઠેલા છે, એના માધ્યમથી નવા અથવા તો અન્ય કોઈ મદદની જરૂરિયાત હોય તો તે થઈ શકશે। સભાના સ્થળ ઉપર એવરેજ 1000-1500 લોકો વચ્ચેનો એક ક્યુબિકલ એટલે કે એક પોર્શન બનાવ્યો છે, એની અંદર પાણીની પણ વ્યવસ્થા કરી છે। આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકો આવવાના છે ત્યારે ટોયલેટની પણ આજુબાજુના વિસ્તારમાં વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। સંપૂર્ણ રીતે વડોદરા શહેર આ કાર્યક્રમ માટે તૈયાર છે, સજાગ છે, ત્યારે આપ સૌના માધ્યમથી વડોદરા શહેરના સૌ નગરજનોને અમે અપીલ કરીએ છીએ કે 5 વર્ષ પછી માનનીય મોદીજી આવે છે, પહેલી વખત કદાચ એવો પ્રયત્ન છે કે સભા મંડપમાં અંદરથી આવવાના છે, મોટી સંખ્યામાં સૌ કાર્યકર્તાઓ જોડાય એવી સૌને વિનંતી છે। આભાર। देश दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे, तब तक दीजिए बीआरजी टीम को इजाजत, धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर।
आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।